शर्मा के शो में आप लोग पर्सनली कुछ जानते हैं, आजकल विवादों में फंस गए, कोई राय आप तीनों की है उस बारे में, अगर कुछ कहना चाहें आप? Really, I don't know. कभी हर आदमी के बारे में उनका एक जो भी एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है या एक सोशल एजेंडा होता है वो उनका खुद का ओपिनियन होता है एंड दे जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज या जो भी होते हैं वो उसको रेडी होते हैं फेस करने के लिए. तो अगर आपको लगता है कि कपिल ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो इनअप्रोप्रिएट है तो वो रेडी हैं उसको फेस करने के लिए, या अगर आपको लगता है कि सही किया है तो उसके जो उसके सारे जो बेनिफिट्स हैं वो भी वो फेस करेंगे. हर रोज़ ना आज कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह देता है स्टेटमेंट में, उसका उसका सही मतलब निकालना ज़रूरी होता है, उसका मिसइंटरप्रिटेशन से ख़राब होता है मामला. बाकी आई डोंट थिंक इस कंट्री में हम बोलते हैं कि वी शुड हैव एन एक्सप्रेशन एंड वी शुड हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस, बट जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो पीछे पड़ जाते हैं लोग कि ये क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया. हम कुछ करने जाते हैं तो लोग बोलते हैं ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया. जब आपके पास फ्रीडम है बोलने का तो फिर आप क्यों किसी को बोलते हैं कि ये तुमने कैसे बोल दिया, ये तुमने क्यों बोल दिया. जैसे कि हम आप अलाउ करो कि ठीक है ये आपका ओपिनियन, छोड़ दो उस आदमी को. अगर आपको सही नहीं भी लगता है उसने एक्सप्रेस किया, आपको सही नहीं लगता है, आप बोलो कि बॉस हम एग्री नहीं करते, बट छोड़ दो. आप उसको क्रूसीफाई क्यों करते हो, जबकि हमारे डेमोक्रेसी का रूल ये है कि भैया वी अलाउ टू एक्सप्रेस बट वी विल क्रूसीफाई दोज पीपल कि आपने बोला कैसे. एक एक स्टेज पे हम बोलते हैं कि हमारी कंट्री बड़ी टॉलरेंट कंट्री है, लेकिन कोई किसी से गलती होती तो माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है. हम इंटॉलरेंट हो जाते हैं, हम खुद ही इंटॉलरेंट हो जाते हैं, तो फिर टॉलरेंस कहाँ रहा. एंड आई थिंक इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस, आई थिंक एवरीवन हैज हिज ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस. आज अगर मतलब मैं कपिल को सालों से जानता हूँ एंड आई थिंक इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट एंड स्वीटेस्ट पीपल आई हैव एवर मेट इन माय लाइफ. तो अगर किस चीज़ से अगर कपिल ने मैं एक्चुअली टेक्निकली जानता नहीं तो क्या हो गया. मीडिया एक्सपोजेस थिंग्स बट यू डोंट हैव टू नेसेसरली बी इन द मीडिया टू एक्सपोज थिंग्स नो. तो अगर वो मीडिया में नहीं रह के अगर कोई चीज़ एक्सपोज कर रहे हैं तो आप क्यों ब्लेम कर रहे हो उसको, वो तो आपका काम कर रहे हैं, वो तो आपका काम कर रहे हैं ना. आपको तो उनको तारीफ करना चाहिए कि भाई क्या कमाल कर दिया आपने, चलो उसको एक ऐसी चीज़ बता दी जो सोसाइटी को हेल्प करती है. उनको थोड़ी कुछ पड़ी है कोई फालतू में कोई चीज़ न्यूज़ देने की, कुछ सच्चाई होगी उस तब जाके उन्होंने बोला है, वो भी एक सोशल प्लेटफॉर्म पे बोला है. लेकिन उन्होंने बोल दिया, ये कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ऐसा क्यों बोल दिया, इसमें क्या बात है, वो तो प्रूव करने के लिए भी तैयार होंगे. वो पागल थोड़ी है कि वो कुछ ऐसे ही बोल दिया उन्होंने. तो हम लोग को हर चीज़ को ना एक दूसरे एंगल से देखना कि क्या बोला है, क्यों बोला है, और आदमी की या तो समझो.